टीवी सीरियल अनुपमा में पाकी हमेशा ही बापूजी की लाडली रही है, क्योंकि बापूजी ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला पोसा है और पाकी की खुशी के खातिर बहुत कुछ किया है। तभी तो अधिक के प्यार में पड़ी पाकी की अभी तक बापूजी के आगे चू तक नहीं निकली है, क्योंकि वो अपने बापूजी की इज्जत करती है और उनकी मान मर्यादा में रहना अच्छे से जानती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज पहली बार पाकी अपने बापूजी से मिसबिहेव करने वाली है, जिसके चलते शाह परिवार में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा होने वाला है। और इसलिए आज हम आपको शो में आने वाले इसी धमाकेदार अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताने वाले हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ना समझ पाकी ने धोखेबाज अधिक के प्यार में पड़कर अपने पूरे शाह परिवार से मुंह फेर लिया है और अब उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही है, क्योंकि पाकी अब किसी के भी काबू में नहीं है और खुद को बहुत बड़ी समझने लगी है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात तो यह है कि बापूजी के आगे पाकी की अभी तक आवाज भी नहीं निकली है, क्योंकि बापूजी घर के बड़े हैं और उनके आगे ऊंची आवाज से बोलना पाकी को शोभा नहीं देता है। लेकिन शो की आगे की कहानी में आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट में अब पाकी अपने बापूजी को भी नहीं बख्शने वाली है। जी हाँ, दरअसल इन दिनों सीरियल में अब पाकी अपनी मां अनुपमा की परवरिश पर सवाल उठाती हुई उन्हें भला बुरा कहने में कोई कमी नहीं छोड़ रही है। हालांकि अभी तक तो बापूजी चुप है, मगर अब बापूजी अपनी भोली वाली बहू अनुपमा के लिए स्टैंड लेकर पाकी के खिलाफ होने वाले हैं। ऐसे में पाकी उनकी कोई बात न समझकर उनसे मिसबिहेव करने वाली है, जिसके चलते अब बापूजी और पाकी का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट सकता है। पहले दोस्तों, क्या पाकी को धोखेबाज अधिक के लिए अपनी सीमाएं लागनी चाहिए? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।